टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर दोबारा से आ गए। फिर से आ गए रे बाबा। क्या आप अपनी टीम के साथ सीएस रैंक के अंदर राउंड को विन नहीं कर पाते, या फिर कभी कभी आप अकेले बचते हो, वन वर्सेस फोर सिचुएशन होता है तो आप जाके सामने वाले बंदों के हाथों से किल हो जाते हो? नहीं, गलती इसमें आपकी नहीं है, गलती मेरी है। टिप्स एंड ट्रिक्स बनाना मैंने ही छोड़ दिया था। बट अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप फायर आइस गेमिंग के सब्सक्राइबर हो यार। वन वर्सेस फोर क्या, वन वर्सेस 10-15 तो आप ऐसे ही मार दोगे। बस आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो से जो आपको सीखने को मिलेगा ना, वो सच में आपको एक नेक्स्ट लेवल का प्लेयर बनाएगा। आप किसी को भी इजिली वन वर्सेस फोर किसी भी टीम को मार सकते हो। आप हर एक राउंड सीएस में विन करोगे, आपका टीम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगा सीएस का। तो चलो वीडियो को शुरू करते, बट उससे पहले वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे वीडियो देखने के बाद। तो चलो यहाँ पे इस वाले क्लिप पे देखो, मेरे 3 टीममेट्स डाउन हो चुके हैं, मैं बचा यहाँ पे अकेला। अब सामने वाले 4 प्लेयर्स मुझे इजीली मार सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही आसानी से मार सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ और ही हो गया। अब पूरे क्लिप को बिल्कुल ध्यान से देख रहा देखो। मारा उसको, ठीक है, ग्रेनेड वाले ने मेरे को मार दिया, ग्रेनेड मारा भाई। अरे यार मेरे को खाना खाने। ओके, 2 प्लेयर्स को मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया। अब भी नीचे 2 प्लेयर बचे और मेरा हेल्थ बचा है सिर्फ 11। मैं यहाँ पे मेड किट करता हूँ जल्दी जल्दी। हील करना भाई। कौन सी? तीसरा प्लेयर भी आ गया। बाप रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। और यहाँ पे मैंने तीसरे प्लेयर को भी खत्म कर दिया। अब इसका 4th प्लेयर आ रहा है। इनकी गलती क्या थी पता है? इनकी गलती क्या थी? एक एक करके आ रहे हैं ये लोग। साथ में आ सकते थे, 4 बंदे थे, और हर एक टीम यही गलती करता है हमेशा। अब आप लोगों ने इस क्लिप में जैसा कि देखा, सामने वाले प्लेयर्स एक एक करके आया। अब वो एक एक करके क्यों आया मुझे मारने के लिए? क्योंकि एक एक बंदे को, जितने भी प्लेयर्स थे उस टीम में, सबको किल चाहिए था। मैं जाऊंगा, मैं उसको मार के किल ले लूंगा, मैं जाऊंगा, मैं उसको मार के किल लेके अपने टीम को जिता दूंगा। बट उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि अगर चारों साथ में जाएंगे तो हम इजीली उसको मार के राउंड को विन कर सकते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम कोई भी गेम खेल रहे अपने टीम के साथ, तो हमारा मेन फोकस यही रहना चाहिए कि हम किसी भी तरह उस वाले गेम को जीते, ना कि मैं सबसे ज्यादा किल करूंगा, मैं अपनी टीम का सबसे ज्यादा प्रो प्लेयर बनूंगा। आप पीछे खड़े होकर डैमेज ही क्यों ना दे रहे हो, आपके 3 प्लेयर जाके सारे के सारे किल ले ले, बट अगर आपका टीम जीतता है तो आप एक प्रो प्लेयर हो। वरना सामने वाले अगर आपको मार के चले जाएंगे, आपका 10 किल भी क्यों ना हो, बट आपकी इज्जत कहाँ रहेगी यार। वो बात तो तेरी ठीक है। तो टिप नंबर 1, किल के पीछे कभी नहीं भागना है, और एक एक करके कभी भी रस्मत करना बंदे के ऊपर, वो आपके पूरे स्क्वाड को खत्म कर सकता है। अब हमने एनिमी का प्रस्पेक्टिव, सामने वाले की गलती तो देख ली, पर अब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि हमने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी ट्रिक या फिर टिप्स का यूज किया जिसकी वजह से हम 4 के 4 प्लेयर्स को मार पाए। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, मैंने जैसे ही 2 बंदे को या फिर 3 बंदे को मार दिया, उसके बाद मैं नीचे कूद सकता था उस 1 या 2 बचे हुए बंदों को मारने के लिए। बट मैं यहाँ पे नहीं कूदा, मैं यहीं के यहीं खड़ा रहा। इसे कहते हैं पेशेंस या फिर होल्ड करना। यहाँ पे आप एक और क्लिप देखो, मैंने यहाँ पे 1 बंदे को डाउन किया, बट उसके टीममेट ने उसको रिवाइव दे दिया। मैं सामने की ओर गया, मैंने फिर से उसको डाउन किया, एक और प्लेयर आया, मैंने उसको भी डाउन किया, एंड अब मैं यहाँ पे आराम से कवर लेके बैठ गया। मैंने अपने आप को हील किया, जैसे एक प्लेयर आया उसको रिवाइव देने के लिए, उसको नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मैंने अपना यहाँ पे पोजीशन भी रिवील नहीं किया, जैसे वो आया मैंने उसको इजीली डाउन कर दिया। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देखते वो कब तक आता है और किधर से आता है। वो देखो वहाँ पे बंदा आया, उसको नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, वो उधर मेरे को ढूंढने के लिए गया, और यहाँ पे वो वाला बंदा भी खत्म। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि अगर आप होल्ड करोगे ना, सामने वाले के आने का वेट करोगे, तो आप इजीली 4 या 8 बंदे भी एक एक करके आएंगे, आप उनको मार सकते हो। बट अगर आप किसी स्क्वाड के बीच के, आप किसी 2 बंदे के भी बीच में जाके कूद जाओगे ना, वो लोग आपको बहुत ही आसानी से मार देंगे। तो अपने पोजीशन को रिवील मत करो, कहाँ हो आप, ये सामने वाले को अगर पता भी हो तो वहां से निकलो ही मत। और ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे 1v2, 1v3, 1v4 हो रहा हो, वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं भाई। जितना हो सके अपने आप को कवर में रखो, एक एक करके आएगा और आप एक एक करके मारोगे, साइलेंटली मारो, पता नहीं चलना चाहिए, बंदे खत्म हो जाएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा और उनको भी नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है गेम के अंदर, क्यों मर रहे हम, एक ही प्लेयर हम सबको मार दे रहा है। देखो इस वाले क्लिप में भी ऐसे ही हुआ, मैं बहुत ज्यादा डैमेज खाने के बाद यहाँ पे मस्त मेडिकेट कर रहा था, बंदे को लगा कि डैमेज है, रस मार देते। भाई ऐसे रस मारोगे तो मरोगे ना, ऐसे नहीं मारना चाहिए रस। पीछे से भी एक प्लेयर आ गया था और
मेरे प्लेयर ने मेरे को बता दिया, तो उसको भी मैंने इजीली मार दिया और यहाँ पे नेड आया उसका। फिर से मैं जाके कवर में बैठ गया, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, तुम लोग को जो करना है नेड वेड जो करना है करो, मैं आराम से कवर में बैठा रहूंगा, एक एक करके तुम लोग आओगे मुझे पता है, और सबको मैं मारता रहूंगा। बस अपने अंदर आप पेशेंस लाओ, होल्ड करके बैठो, पता नहीं आप कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को कितनी आसानी से मार पाओगे, आपको खुद नहीं पता, क्योंकि पूरे गेम के अंदर जो भी गेम खेलने आ रहा है सबको किल चाहिए, सबको प्रो प्लेयर बनना है, अपने टीममेट्स में सबको किंग बनना है। भाई मैंने 10 किल कर दिए, मैंने 14 किल कर दिए, उसी चक्कर में बंदे रस करते और उसी का फायदा उठा के आप उनको इजीली मार दोगे। तो आई होप ये वाली बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए आ रहे हो और ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, क्योंकि जब मैं पटना स्टेशन जाऊंगा तो वहां की वीडियो इंस्टा पे जरूर अपलोड करूंगा, तो जाके फॉलो कर दो। बाय बाय।